तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। आज भी हम दोस्तों बात करेंगे एक पहली स्टॉक की, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 21.08 रुपी है। और ये जो स्टॉक है आज नियरली 5% के अराउंड तेज़ी शो कर रहा है। आइए देख लेते हैं कौन सा है वो स्टॉक और इसके लेटेस्ट फंडामेंटल भी जान लेते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न भी देखेंगे और इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, उसके डिटेल हम जानेंगे। लेकिन एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, कोई भी पॉइंट मिस मत करें, क्योंकि एंड में हम आपको डिटेल में निवेश की राय भी देंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 5 डेज़ में यदि इसकी परफॉर्मेंस देखें, कंटिन्यूसली आपको सर्किट पे सर्किट ही लगते दिख रहे हैं। लास्ट 5 डेज़ में इस स्टॉक में 21.43% की रैली देखने को मिल चुकी है। और यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी नियरली आपका जो पैसा है वो डबल होता दिख जाएगा। लीनियर ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट 1 मंथ में इस स्टॉक में 166% की रैली देखने को मिलेगी। यदि इस स्टॉक का 6 मंथ का डाटा देखें, यहाँ पे 348% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो 6 मंथ में और बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 1 ईयर का डाटा देखें, 73% के रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। 5 ईयर का डाटा देखें, 286% के मल्टी बैग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की। मैक्सिमम चार्ट में बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। कंटिन्यूसली इस स्टॉक में जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन आजकल जरूर इस स्टॉक में ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिला है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। आइए इस कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल जान लेते हैं, इसका नाम भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पाउस इंडस्ट्रीज़ की। और आप देख सकते हो इस कंपनी की जो स्टार्टिंग हुई थी 1990 में शुरू हुई थी और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इसके हैं वो 2 हैं। तो आइए सबसे पहले इसके लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर जान लेते हैं। दिसंबर 21 में इसकी जो टोटल इनकम थी, नेट इनकम थी, 90% की ग्रोथ शो कर रही है। अर्निंग पर शेयर देखें, 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग इनकम देखें, 65% की ग्रोथ देखने को मिली है ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। लेकिन यदि सितंबर 21 के नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी शानदार ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगी इन द नेट इनकम, डिल्यूटेड ईपीएस एंड ऑपरेटिंग इनकम। अब बात करते हैं जून 21 की। जून 21 के नंबर्स भी आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। मार्च 21 में देखें तो यहाँ पे जरूर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था इन द नेट इनकम एंड डिल्यूटेड ईपीएस, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम में ग्रोथ देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हो अब जो इसके लेटेस्ट नंबर्स हैं मार्च 21 के बाद के, जून 21 के, सितंबर 21 के, दिसंबर 21 के, बहुत ही शानदार रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए ही इस स्टॉक में बढ़िया रैली चल रही है। ये जो स्टॉक है एक पैनी स्टॉक है और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है स्टॉक की वो इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ ही लिंक होती है। यदि कंपनी अच्छे नंबर पेश करती रहेगी तो इसमें तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। अदरवाइज़ इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर जरूर चेक करने होंगे। तो आइए इसके लेटेस्ट अनाउंसमेंट जान लेते हैं कि इस स्टॉक की आजकल क्या अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है। दोस्तों इस कंपनी ने इंटीमेशन दी हुई है, द बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर बोर्ड मीटिंग ऑन मंडे दैट इज 30 मई 2022। तो दोस्तों इस कंपनी के बोर्ड की जो मीटिंग है वो 30 मई को फिक्स कर दी गई है। ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है ऑन द 16 मई। यहाँ पे आप देख सकते हो पाउस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द BSE दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड ऑन द 30 मई इन ऑर्डर टू डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो दोस्तों इस कंपनी के बोर्ड की जो मीटिंग है वो 30 मई को जो है वो फिक्स कर दी गई है, ताकि जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं वो डिस्कस कर दिए जाएँ और फाइनलाइज कर दिए जाएँ।
दोस्तों ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि आप 30 मई के डेट जरूर नोट करके रखें, क्योंकि उस दिन किस तरह के नंबर्स आएंगे वो ही आने वाले टाइम में इस स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो शो करेगी। यदि इसके नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर रहते हैं, तो आपको इस स्टॉक में फिर रैली कंटिन्यू रहती दिख सकती है। अदरवाइज इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। ये जो स्टॉक है सर्किट पे चलता है, बहुत ही रिस्की स्टॉक है, इसलिए लंपसम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें। यदि इस कंपनी की डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आज इस स्टॉक में 750 की क्वांटिटी ट्रेडेड है और 750 की डिलीवरेबल क्वांटिटी है, परसेंटेज डिलीवरी देखें तो 100% ही है। तो आइए इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी थोड़े डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है इसके फंडामेंटल किस तरह के निकल कर आ रहे हैं वो भी डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी आप देख सकते हो पाउस इंडस्ट्रीज़ वनस्पति एंड ऑयल्स सेक्टर में काम करती है। यदि इस कंपनी की सबसे बड़ी हम स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंपनी है बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड में आजकल दिख रही है, एंड दिस हैज़ अचीव्ड ए न्यू 52 वीक हाई। तो आजकल टेक्निकली इस स्टॉक में बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिल चुका है, लास्ट 1 मंथ में भी और 5 डेज में भी कंटिन्यूसली सर्किट पे सर्किट ही लग रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी की आज ओपनिंग जो हुई थी स्टॉक इज 20.08 की थी। करंटली इस स्टॉक की जो प्राइस है वो आपको 20.08 पे ही दिखेगी। कंटिन्यूसली कभी इसमें अपर सर्किट भी लग रहे हैं, बीच बीच में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो पहले इसमें सर्किट लग जाता है, फिर 10 AM के अराउंड फिर इसमें डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो आज इसकी प्राइस वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जैसे ही इस स्टॉक में थोड़ी सेलिंग होती है तो साथ के साथ ही इस स्टॉक में बाइंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर हैं, जो इसकी डिलीवरी के ऑर्डर हैं 100% चल रहे हैं। आइए इस कंपनी के फंडामेंटल जान लेते हैं। मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी का 12 के अराउंड चल रहा है, और आगे बढ़ेंगे इसकी फेस वैल्यू जो है शेयर की ₹10 की है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। इसकी हम प्राइस की परफॉर्मेंस आपको बता चुके हैं, लास्ट कुछ डेज से इस स्टॉक में ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में कंटिन्यूसली 100% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वॉल्यूम है आज 2K का है, कल भी 2K का वॉल्यूम था, लेकिन साथ के साथ ही 100% की डिलीवरी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, 100% अकमुलेशन इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है उसके कारण इस स्टॉक की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, इसमें अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो इसके ऑर्डर जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तो ऐसा ही चलेगा, 30 मई तक ऐसे ही चलने की आशंका है, क्योंकि जब इसके नंबर्स आएंगे फिर ही पूरा जो है इसका डिटेल खुलेगा, कैसे इसकी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में रहती है। लेकिन अभी तक के जो इसके नंबर्स हैं, जो दिसंबर 2021 के नंबर्स हैं, सितंबर 2021 के नंबर्स हैं, जून 2021 के नंबर्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। नेट इनकम में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अब जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो इस कंपनी के नंबर्स आपको ग्रो करते दिख सकते हैं, आने वाले टाइम में इसके बहुत ही बढ़िया टारगेट रह सकते हैं। आइए शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 74.71% का स्टेक है, पब्लिक के पास 25.29% का स्टेक है। यदि इसकी हम देखें ROE परसेंटेज तो नील है, डेबिट टू किटी रेशो भी इसकी -1 चल रही है। तो एंड में यदि हम समराइज करें, इस स्टॉक में आजकल टेक्निकली जरूर ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिल चुका है, दिसंबर 2021 के नंबर्स भी पॉजिटिव ही रहे हैं, और इस स्टॉक की वैल्यूएशन जरूर आपको ओवर वैल्यूएशन जोन में दिखेंगी, क्योंकि इस स्टॉक में लास्ट 1 मंथ में पैसा डबल से भी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तो इसलिए आप अभी इस स्टॉक में कोई भी खरीदारी करने की कोशिश मत करें, मार्च 30 को इसके नंबर जरूर वेट कर लें। जैसे ही नंबर इसके आते हैं तो आपको इस स्टॉक में जो है सिप के थ्रू निवेश करने की राय दी जाती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक को कभी भी लीनियरली नहीं चलेगा। आज यदि स्टॉक भाग रहा है तो कल को नीचे भी आएगा, जब ये नीचे आएगा तो उस टाइम पे आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हो, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप फंस भी सकते हो। स्पेशली जो पैनी स्टॉक्स होते हैं बहुत ही रिस्की होते हैं, यहाँ पे भी आप लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे बहुत ही रिस्की है, बहुत ही स्टॉक में आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर 6 मंथ में इस स्टॉक में ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन आज नहीं तो कल इस स्टॉक में जरूर नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा।
तो आप इस स्टॉक को डिप में बाई करने की कोशिश करें। लोअर सपोर्ट लेवल बहुत ही नीचे है इसका, 8 के अराउंड है, लेकिन अब ये जो स्टॉक है बहुत ही भाग चुका है, बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है। कल को जब भी इस स्टॉक में करेक्शन आती है तो इस टाइम आप इस स्टॉक को बाई करके एकमुलेट कर सकते हो। यदि इसके नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं तो ज़रूर इस स्टॉक में आपको 25 से लेकर 30 तक के टारगेट जो है वो हिट होते दिख सकते हैं। तो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में 30 लेके चल सकते हो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। इसलिए शॉर्ट टर्म में कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म का होरिजन लेके चलें, तभी आपका इस स्टॉक में पैसा बन सकता है और सिप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें। सो थैंक्स अगेन। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा।